बिहार विधान परिषद के निर्विरोध नवनिर्वाचित सदस्य बनने के बाद पहली बार अपने घर सुपौल पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। इस दौरान उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। यहाँ 10 लोग प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ, राजनाथ जी के साथ, मुझे भी उसमें 2005 से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। दानापुर के मठियापुर में बीजेपी की एक दिवसीय मुख्य कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेहटा के मनेर हाई स्कूल प्रांगण में मनाई गई भिखारी ठाकुर की जयंती। इस दौरान स्कूल प्रांगण में भिखारी ठाकुर मंच ने भिखारी ठाकुर की रचित नाटक विदेशिया नाटक का मंचन भी किया। जमशेदपुर के पोटका में जेएमएम से इस्तीफा दे चुके गणेश सरदार, माधव हेम्ब्रम और सपन कुमार बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। मीडिया से बात कर दी जानकारी। छपरा के डेरनी सूतिहार मैदान में जिला प्रशासन और पत्रकार के बीच खेला गया एक दिवसीय मैच। वही मैच का उद्घाटन पारसा विधायक छोटेलाल राय ने किया। जमशेदपुर के पोटका में पल्स पोलियो दिवस के मौके पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी बूथों में पिलाई गई पोलियो की खुराक। जमुई में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित जंगल से सीआरपीएफ को सर्च अभियान में मिली बड़ी सफलता। झाड़ी में छिपाकर रखा 20 किलो का कंटेनर बम हुआ बरामद। चाईबासा में नक्सलियों की तलाश में निकली पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन को मिली बड़ी सफलता। 34 IED बम किया बरामद। वहीं मौके पर BDDS ने चिन्हित कर बम को किया नष्ट। जमशेदपुर के पोटका में आदिम झारखंड वैष्णव समिति ने दमाकी में वन भोजन सहमिलन समारोह का किया आयोजन। इस दौरान बड़े पैमाने पर वैष्णव समाज के लोग हुए शामिल। लातेहार के चंदवा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाढ़ में कोहरे की कहर के बीच भीषण दुर्घटना में बाल बाल बचे कार सवार, पटना से राजगीर जा रहे थे। सराय का कांड्रा मार्ग पर बाबूढी गांव के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आए बाइक सवार 3 युवक हादसे में गंभीर रूप से हुए घायल। मुजफ्फरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, रात के अंधेरे में एक साथ कई घरों को बनाया अपना निशाना, लाखों की संपत्ति लूटकर चोर मौके से हुए फरार। ये घटना 1 बजे से 2 बजे के बीच की है और जितना गहना था, पैसा था, सब कुछ ले गया है। उसके बाद जब हम उठे हैं तो बाहर अंदर से रूम लॉक था। बाढ़ में अपराधियों ने स्टेशन परिसर में दारोगा को मारी गोली, PMCH में चल रहा है इलाज। वैशाली में स्कूल में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।